हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बायोलॉजी एनवायरमेंट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है या बेस्ड होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो फेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेस और एक होता है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस वो होता है जो कि कॉलम में पहले से ही फिल्ड होता है, या जो हम पहले सबसे पहले फिल्ड करते हैं कॉलम में। अब इसके स्टेशनरी फेस की जैसे एग्जांपल मैं बता चुका हूँ सिलिका, या भी बहुत अलग अलग एग्जांपल हैं स्टेशनरी फेस के। उसके बाद आता है हमारा मोबाइल फेस। मोबाइल फेस वही होता है हमारा एनालाइट, जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, उस मिक्सचर को जो हम सेपरेट करना चाहते हैं। जैसे ही हम मोबाइल फेस कॉलम के अंदर डालते हैं, तो स्टेशनरी फेस और कॉलम में स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी मोबाइल फेस जो बॉन्ड नहीं बना पाते वो क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उस बॉन्ड को तो तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी को हमको सेपरेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बफर ऐड करना पड़ता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो बॉन्ड बना हुआ है मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के बीच वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो इल्यूट आउट हो जाता है और हम उसको एक बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि एक डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होता है और एक क्रोमेटोग्राम बनता है, जो कि हम आने वाले आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।